हाँ बेटा, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 50,000 से। ये ऐसे शो कर देंगे। लास्ट में सिखा रहा हूं फोर्थ, फोर्थ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 3,20,000, पहले थी 3,00,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो पहले एक काम करो, आईएफआर जो है उसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स, पूरा का पूरा आईएफआर पार्टनर्स के होल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आईएफआर का यूज तो लॉस में होता है ना बेटा, हमें तो गेन हो गया, तो आईएफआर का कोई भी यूज नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,00,000 से 3,20,000 हुई है, तो जो 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, 20,000, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है इसलिए मैंने एसेट को डेबिट किया बेटा। ठीक किया, ठीक है। अब इससे आगे का मैं कल बताऊंगा बेटा, आज के लिए बस इतना ही है। 27 तक के इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आप खत्म कर लीजिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।